नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर से। उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर बड़ी बैठक, दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है। बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सतपाल महाराज शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक बैठक में मौजूद है। बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल है। आज विधायक दल की बैठक होनी थी लेकिन वो टल चुकी है। दिल्ली में लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर ये बैठक चल रही है और इसमें बड़े नेता शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, बीएल संतोष और सतपाल महाराज भी पहुंचे हैं, यानी कि जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। सतपाल महाराज सहित पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ आपको बता दें बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए हैं। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि सरकार बीजेपी की बन रही है तो मुखिया कौन होगा, कौन होगा वो नाम। सतपाल महाराज, पुष्कर सिंह धामी, निशंक या फिर धन सिंह रावत, मदन कौशिक, कौन से वो नाम है। अब मंथन चल रहा है और ये मंथन काफी दिनों से चल रहा है। आखिरी निर्णय आज लिया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नाम फाइनल हो जाएगा क्योंकि कल संभव है कि विधायक दल की बैठक हो और 22 तारीख को शपथ ग्रहण हो। उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर जो बड़ी बैठक है वो दिल्ली में अमित शाह के घर पर चल रही है। बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, बीएल संतोष, सतपाल महाराज शामिल हैं, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक बैठक में मौजूद हैं। बैठक में रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल है। तो दिल्ली में यह बैठक चल रही है। दिल्ली से हमारे संवाददाता नितिन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या खबर है इस बैठक के बारे में? जी देखिए, बिल्कुल, मैं आपको जो उत्तराखंड के सीएम को देख के बगदाद है वो हलचल हो चुकी है। तो आज जो है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे ये बैठक करते हैं। खुद वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, संगठन मंत्री जो संतोष बियाल वो भी खुद मौजूद है, साथ में उनके साथ में उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो खुद उनके साथ में है, तमाम जो नेता है उनके साथ में नारायण पोखरियाल जी वो भी खुद है और त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, मतलब सारे नेताओं के साथ में जो उनकी बैठक हो रही है। अब देखना यह होगा कि आज शाम को जो है ये माहौल लग जाएगी कि आखिरकार उत्तराखंड का सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा, तो उसको लेकर पूरी चर्चा है काफी तेजी से चल रही है। कल देर रात जो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो खुद यहाँ पर दिल्ली पहुंचे थे और उनमें जो है पहले तो नितिन कुमार क्या कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो बैठक होनी थी आज वो टाल दी गई है, संभावना है कि कल बैठक हो इसलिए आज नाम तय करना बहुत जरूरी है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कौन सा नाम हो सकता है, क्या धामी फिर से सीएम बन सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल, अभी जो बैठक है वो खुद जो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे चल रही है, उनके साथ में तमाम जो नेता है वो मौजूद है। अब यही है कि आखिरकार देखना ही होगा कि उत्तराखंड के जो सीएम है या तो पुष्कर सिंह धामी या और भी नाम उनके साथ में, सतपाल महाराज भी उनके साथ में है, तमाम जो उत्तराखंड के दिग्गज नेता है वो साथ में है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार आज जो माहौल है वो शाम देर शाम तक जो लग जाएगी आखिरकार उत्तराखंड के जो सीएम है या तो पुष्कर सिंह धामी होंगे या कोई और होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आखिरकार उत्तराखंड के जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी ही बन सकते हैं। लेकिन 22 तारीख की जो है शपथ ग्रहण का भी शपथ ग्रहण समारोह भी जो है रखा गया है कि आखिरकार 22 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। अब ये यही होगा कि आज देर रात तक जो है मुख्यमंत्री का जो नाम है वो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नितिन कुमार, किसी बड़े नेता से आपकी बात हो पाई है? जी देखिए, बिल्कुल, हमने जो है बात करने की कोशिश की थी लेकिन अभी फिलहाल जो है सभी नेता जो उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री आए थे तो वो तमाम जो अमित शाह गृह मंत्री हैं उनके आवास पे हैं, अभी उनसे जो बातचीत चल रही है तो जैसे ही वो बाहर निकलते तो उनमें जो है कहीं ना कहीं जो एक बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री अंदर जो बातचीत चली थी किस चीज को लेकर चली थी, हाई लेवल की जो बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन अब यही होगा कि आखिरकार जो देर रात में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड के ही पुष्कर सिंह धामी को जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि काफी तेजी से जो। नितिन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई विधायक सीट छोड़ने के तैयार हैं और बैठक जो चल रही है उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि धामी फिर से सीएम बन सकते हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। इस दिन योगी आदित्यनाथ 70,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में
मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। शाम 4 बजे से राजधानी के विशाल इकाना स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोह में योगी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। वहीं इस दौरान योगी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। नए मंत्रिमंडल में मौका मिलने की उम्मीद है। कुछ लोग जो है वो पुराने ही होंगे, कुछ नए लोग भी होंगे, नए चेहरे होंगे। वहीं आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पूजा के बाद गौशाला में गायों को चारा खिलाया। 25 मार्च को अब योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है। और अब बात करते हैं हिजाब मामले की। हिजाब मामले पर मुस्लिम समुदाय कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश है। कई मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमिटी की ऑनलाइन बैठक में ये फैसला लिया गया है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये मामला काफी गरमाया था, अलग अलग राज्यों में भी लोगों ने इसका विरोध किया था और लगा कि हाई कोर्ट में ये मामला गया है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है वो इस फैसले से नाखुश है और अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले से व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनदेखा किया गया है, इस तरीके के बयान दिए गए हैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से। बोर्ड ने मुसलमानों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है। तो ये पूरा मामला कर्नाटक का था जहां पर एक स्कूल में हिजाब पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, ड्रेस कोड लागू कर दिया गया था। उसके बाद वहां से ये जो पूरा मामला उठा हिजाब का, ये मामला हाईकोर्ट तक गया और कई जगहों पर राज्यों में इसका विरोध भी किया गया और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ये अनदेखी है, इसीलिए वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। वहीं ऐसा ना हो कि जो समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश है और कुछ अप्रिय घटना हो, उनसे शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है कि धैर्य और शांति बनाए रखिए। सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अब ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट स्थापित होने के साथ ही आतंकवाद निरोधक दस्ता और अभिसूचना विभाग भी और मजबूत होगा। कानून व्यवस्था के जिस मुद्दे पर सरकार ने विरोधियों को चुनाव में धूल चटाई, उसे और बेहतर बनाने के लिए पुलिस की विभिन्न शाखाओं में 916 नए पदों का सृजन किया गया है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए शासन ने वहां एसटीएफ की सक्रियता बढ़ाने का निर्णय लिया था। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में नए सिरे से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाने की कसरत चल रही है। इसी कड़ी में अब वहां जल्द एसटीएफ की यूनिट स्थापित होगी। शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हर जिले में फिंगरप्रिंट यूनिट भी होगी। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था अब और ज्यादा तगड़ी होगी। अयोध्या में जल्द एसटीएफ की यूनिट का गठन किया जाएगा। सचिव गृह तरुण गाबा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा भी अब और पुख्ता होगी। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और इस बीच अब वहां सुरक्षा और तगड़ी कर दी जाएगी। एसटीएफ की स्थापना की जाएगी वहां पर। सचिव गृह तरुण ताबा ने इस बात के आदेश दे दिए हैं। साथ ही गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा भी और पुख्ता होगी।
रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था भेद होगी, यानी कोई भेद नहीं सकता, तगड़ी सुरक्षा होगी वहां पर। अयोध्या में जल्द एसटीएफ की यूनिट का गठन होगा। अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की नई यूनिट स्थापित होने के साथ ही आतंकवाद निरोधक दस्ता और अभिसूचना विभाग भी और मजबूत होगा। कानून व्यवस्था के जिस मुद्दे पर सरकार ने विरोधियों को चुनाव में धूल चटाई, उसे और बेहतर बनाने के लिए पुलिस की विभिन्न शाखाओं में 916 नए पदों का सृजन किया गया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए शासन ने वहां पर एसटीएफ की सक्रियता बढ़ाने का निर्णय लिया था। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में नए सिरे से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाने की कसरत भी चल रही है और इसी कड़ी में अब वहां जल्द एसटीएफ की यूनिट स्थापित होगी, आदेश जारी कर दिए गए हैं। और आगरा से खबर है, यूपी के मुख्य सचिव का 2 दिवसीय आगरा दौरा है। शाम 6 बजे ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वारिका प्रसाद महेश्वरी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2 दिवसीय दौरे में अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। आज आगरा पहुंचेंगे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे। शाम 6 बजे ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। ताज महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और यूपी के मुख्य सचिव 2 दिवसीय आगरा दौरे पर हैं। शाम 6 बजे ताज महोत्सव 2022 का आगाज किया जाएगा, उद्घाटन करने पहुंचेंगे। द्वारका प्रसाद महेश्वरी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे में अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्य सचिव। आज आगरा पहुंचे हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता मयंक त्यागी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या खबरें हैं? मुख्य सचिव आज पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर। देखिए, आपको बता दें कि ताज महोत्सव 2022 के उद्घाटन के समारोह को प्रतिवाद करने के लिए मुख्य सचिव आगरा पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 साल बाद कोरोना काल के बाद ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये वो आयोजन है जो लगभग आगरा की संस्कृति कला कार्यक्रमों को प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं कहा जाए कि कोरोना काल में 2 साल के बाद इसका आगाज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आगाज की अगर बात की जाए तो 20 से 29 मार्च तक शिल्प कला और संस्कृति का संगम, जो कि बड़े बड़े कार्यक्रमों के साथ साथ बॉलीवुड की बड़ी दिग्गज हस्तियां जो है इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज प्रमुख सचिव जो है इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के अवसर पर वहां पे भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा, जो कि ताज नेचर वॉक में किया जा रहा है। जी, और कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्योंकि आज अगर ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन होगा तो 2 दिवसीय उनका ये आगरा का दौरा है, और कौन कौन से कार्यक्रमों में जाएंगे वो? देखिए, शुरुआत में आपको बता दें जब वो कार द्वारा वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के अवसर पर कार्यक्रम में प्रतिभाग लेंगे। फिर उसके बाद बता दें कि सोसाइटी फॉर प्रिजेंटिव हेल्थी एनवायरमेंट और इकोनॉमी हेरिटेज ऑफ आगरा का भी आयुष गोष्ठी में भाग लेंगे। फिर उसके बाद स्वर्गीय द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो द्वारका बीच पेश रोहता में उपस्थित है। उसके बाद आगरा खेरिया के सिविल एयरपोर्ट के लिए लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक त्यागी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज से ताज महोत्सव 2022 का आगाज किया जाएगा, मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं इसकी शुरुआत करने के लिए। 2 साल बाद कोरोना के कारण ये उत्सव नहीं हो रहा था, लेकिन अब 2 साल बाद ताज की पहचान, आगरा की पहचान, ताज महोत्सव 2022 का उद्घाटन होगा। इधर फरुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के पाहला गांव में मामूली विवाद में दबंगों ने शराब के नशे में घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर धारदार हथियार से हमला किया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 घायलों को CHC में भर्ती करवाया, जबकि हालत गंभीर होने पर 4 लोगों को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये मामला फरुखाबाद का है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली।
फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज के कुरसारा गांव में जमीनी विवाद की वजह से दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष की ओर से जमकर लाठी पत्थर चले। इस संघर्ष में चार लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। और अब खबर झारखंड से है। देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने राशन कार्ड के सत्यापन का आदेश दिया। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो राशन कार्ड के तहत राशन लेने के पात्र नहीं हैं, पर वो लोग राशन ले रहे हैं। इसके साथ देवघर नगर निगम क्षेत्र में भी विशेष अभियान शुरू किया गया है। डीसी के मुताबिक इस अभियान का मुख्य लक्ष्य जरूरतमंद लोगों को पीडीएस सिस्टम से जोड़ने का है। प्रशासन ने इसके साथ अपात्र लोगों से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। कैमूर में दबंगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका ताजा मामला मोहनिया इलाके में सामने आया। बताया जा रहा है कि चार दबंग मोहनिया के स्टूवरगंज में एक युवक को जाति सूचक और अपशब्द कह रहे थे। अपशब्दों की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले युवक बाहर निकला और दबंगों को समझाने लगा। गुस्साए दबंगों ने पड़ोस में रहने वाले युवक को भी अपशब्द कहे और जाते जाते युवक को गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने से युवक घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कैमूर में दबंगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला मोहनिया इलाके का है, उस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है चार दबंग मोहनिया के स्टूवरगंज में एक युवक को जाति सूचक और अपशब्द कह रहे थे और जब विवाद बढ़ गया तो गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल जो युवक है उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये युवक फिलहाल जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस अस्पताल पहुंची और युवक का और परिवार के लोगों का बयान लिया है कौन है वो लोग। लेकिन वही बात बार बार उठती है कि आखिर कहाँ है पुलिस, कहाँ है कानून व्यवस्था। जिस कानून की बात की जाती है, जिस सुशासन की बात की जाती है, सरे राह लोगों पर गोली चला दी जाती है और दबंग बड़े आसानी से भाग जाते हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। दबंगों ने पड़ोस में रहने वाले युवक को पहले अपशब्द किए, इससे ये लग रहा है जानबूझकर उकसाया गया ताकि वो युवक भी आए और उसके बाद फौरन प्री प्लान से आए थे, गोली मारी और वहां से फरार हो गए। पुलिस अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है, उन चार लोगों के नाम पता किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है पहचान के ही वो लोग हैं। अब पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ इस घटना के बाद अब कैमूर में खौफ देखा जा रहा है। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर है। रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे रोडवेज कर्मचारी। कल एक दिवसीय धरना देंगे रोडवेज कर्मचारी। वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों के पूरा ना होने से नाराज हैं। 28 मार्च से अनिश्चितकाल तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। रोडवेज के कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से अब मुश्किलें भी खड़ी हो जाएंगी। सीधे चेतावनी दी है कि 28 मार्च तक अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 28 मार्च से अनिश्चितकाल तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा और उसके बाद रोडवेज पर की बसें ना चलने से जो यात्री हैं, जो जनता है, वो सबसे ज्यादा परेशान होगी। कई बार सरकार को आगाह किया गया, सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन वेतन भुगतान समेत अन्य मांगे पूरी ना होने से अब नाराज हैं और कल रोडवेज कर्मचारी एक दिन का धरना देंगे। 28 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है।
लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को आगाह करते रहे हैं, प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं, इसलिए एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है रोडवेज कर्मचारी। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे देखेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देवभूमि समाचार।